सर्दियों की सुरमई शामें अपने अंदर बेपनाह हुस्न लिए चलती हैं। कहीं ड्राई फ्रूट से लुत्फ़अंदोज़ होने का दिल चाहता है तो कभी लिहाफ में दुबक कर बैठने का। फितरत के हर रंग में रानाइयां पिना हैं। मौसम सरमा की खुनक हवा के साथ लिबास में भी तब्दीली आ गई है। जराबे, स्कार्फ, स्वेटर और गर्म शॉलें सर्दियों का मजा बढ़ाती हैं। गर्म शॉलें ना सिर्फ देखने में भली लगती हैं, बल्कि ये सर्दियों से भी महफूज रखती हैं। रंग बिरंगी शॉलें हर तरह के लिबास के साथ मैच करके भी ली जा सकती हैं। सर्दियों के आते ही लोग ज्यादातर गर्म कपड़े पहनते हैं, जिसमें ज्यादा शॉल इस्तेमाल होती है। सर्दियाँ आ गई, मौसम चेंज हुआ है, तो उनके लिए, वालदा के लिए और बहनों के लिए शॉलें लेने आए। शॉल अच्छी आई हुई है यहाँ पर, शॉल्स वगैरह की वैरायटी भी काफी अच्छी है, कलर्स वगैरह, इनके लिए हम लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं शॉल के लिए। जबकि इस हवाले से दुकानदारों का कहना है कि सर्दी का मौसम आते ही रंग बिरंगी और नित नए डिजाइन की फैशन के मुताबिक शॉलें दुकानों की जीनत बन जाती हैं, जिसे खरीदार न सिर्फ तोहफे के तौर पर देते हैं बल्कि बेटियों के जहेज में देने के लिए भी खरीदते हैं। खवातीन जो है इसके शालों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, और बहुत से ऐसा है जनाब अली जो जिनकी बच्चों की शादी वादी होती है तो जहेज में रखने के लिए भी शॉल वगैरह हमसे लेके जाती हैं। और आजकल जो है शालों का ये है कि कोई ज़्यादा इतने ब्राइट कलर नहीं लेती हैं लोग। ज़्यादातर खवातीन कश्मीरी काम की लेती हैं और जैकार्ड की लेती हैं, और जो इनकी ज़्यादा रेंज होती है वो पश्मीना की प्योर वूल वाली भी लेती हैं। सर्दी के आते ही खवातीन मर्द हज़रात भी नई वैरायटी शॉल वगैरह लेके जाते हैं, और कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान के जो भी खवातीन और मर्द हज़रात हैं वो कराची से शॉपिंग करते हैं। बाजार में आजकल हर तरह की शॉलें दस्तियाब हैं, जिनकी कीमत सैकड़ों से हजारों तक पहुँच चुकी है। शॉलें किसी न किसी रंग में फैशन का हिस्सा बन गई हैं। कभी बॉर्डर पे कश्मीरी कढ़ाई है तो कभी सिर्फ शीशों या रंगों के इम्तिजाज से खुशनुमाई का अंसर उभारा गया है। सर्दियों के आते ही खवातीन में नित नई गर्म शॉल का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जो सर्दी से महफूज रखने के साथ साथ फैशन पे भी पूरा उतरती है। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अतिया मिर्जा, मेट्रो 1, कराची।